तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ का पहला गाना विघ्नहर्ता आज रिलीज कर दिया गया, जो कि 3 मिनट 4 सेकंड का रहा। इस 3 मिनट 4 सेकंड के गाने में दोस्तों आपको सुपरस्टार सलमान खान, वरुण धवन और आयुष शर्मा एक साथ एक फ्रेम में तो नजर आए हैं, लेकिन दोस्तों ये गाना मुझे सिर्फ एक गाना ही नहीं बल्कि इस फिल्म का एक धमाकेदार टीजर भी लगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि सुपरस्टार सलमान खान की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ, जिसमें आपको आयुष शर्मा लीड करते हुए नजर आने वाले हैं, इस फिल्म का दोस्तों आज पहला गाना विघ्नहर्ता रिलीज कर दिया गया है, जिससे कि ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही दोस्तों इस गाने को 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे, जो कि एक तरह से ब्लॉकबस्टर रेस्पॉन्स है। लेकिन दोस्तों इस गाने में आपको सुपरस्टार सलमान खान का स्वैग, उनकी पर्सनैलिटी और साथ ही में दोस्तों उनका बेहतरीन एक्शन तो देखने को मिलने ही वाला है। साथ ही में दोस्तों आयुष शर्मा और सलमान खान के बीच का जो फेस ऑफ है वो भी इस गाने में देखने को मिला। आयुष शर्मा के दोस्तों कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स और कई सारी फ्रेम्स इस फिल्म के गाने में दिखाई गई है। वहीं दोस्तों सुपरस्टार वरुण धवन के बेहतरीन डांस मूव्स और साथ ही में उनका भी बेहतरीन लुक्स इस गाने में दिखाया गया है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस गाने को देखने के बाद इतना तो यकीन हो चुका है कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ में आपको बेहतरीन एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसकी कुछ झलक इस गाने में भी दिखाई दी है। दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दशहरे पर या फिर दिवाली पर रिलीज किया जाएगा, जो कि इंडियन सिंगल स्क्रीन पर बेहतरीन कमाई करने वाली है और कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि जिस तरह से इस फिल्म के टीजर को और गाने को दिखाया गया है, उस हिसाब से ये फिल्म 2021 में रिलीज होने वाली वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन सकती है। आज का दोस्तों ये गाना ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। इसकी शुरुआत ही सुपरस्टार गणपति बप्पा से होती है और साथ ही में दोस्तों वरुण धवन, सलमान खान और आयुष शर्मा के भी बेहतरीन डांस मूव्स और सुपरस्टार सलमान खान का स्वैग देखने को मिलता है। आपको दोस्तों ये गाना कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, अंतिम फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाएगी, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।